हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारे देश की सबसे पहली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होने वाली है, तो उसका सबसे पहले जो ट्रायल रन होने वाला है वो हमारे देश के सबसे पहले किस रूट पर होने वाला है, तो उसी को लेकर आज हमारा ये आर्टिकल है जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आर्टिकल कि क्या कुछ बताया गया है हमारे इस आर्टिकल में और कहाँ पर शुरू होगी हमारे देश की सबसे पहली वंदे भारत का स्लीपर वर्जन। तो यह है हमारा आर्टिकल। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाद देशवासियों को इसके स्लीपर वर्जन का इंतजार बेसब्री से है। सीटिंग ट्रेनें तो पहले से ही चल रही हैं, हालांकि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें कब से चलेंगी इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार ने यह जरूर कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को ट्रायल अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। इस बीच रेल यात्रियों के बीच इस बात को लेकर कौतूहल है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर चलेगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली मुंबई वंदे भारत स्लीपर का ट्रायल अगले महीने शुरू हो सकता है। तो यानी कि जो हमारा जो स्लीपर वर्जन होगा वो दिल्ली मुंबई रूट पर शुरू हो सकता है, वो भी इसका जो ट्रायल होगा वो अगले महीने से शुरू हो जाएगा। तो आगे चलते हैं आर्टिकल के अंदर वो क्या बताया गया है। तो दिल्ली से मुंबई रेलवे रूट काफ़ी हाई डिमांड वाला है। इस रूट पर ऑफ सीजन भी ट्रेनें फुल रहती हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई से दिल्ली रूट पर ट्रेनें भोपाल स्टेशन से भी गुजर सकती हैं। और कुछ इस तरह की होगी हमारी जो वंदे भारत जो स्लीपर वर्जन होने वाली है, कुछ इस तरह की दिखाई देगी जो उसका एक्सटीरियर होगा। ठीक है, तो जानकारी के मुताबिक सबसे ज़्यादा डिमांड वाला रूट होने के कारण रेलवे ने दिल्ली से मुंबई के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस रूट पर अगले महीने से ट्रायल शुरू हो सकता है। दिल्ली मुंबई रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हाई डिमांड वाला रूट होने के कारण इस रूट पर अक्सर यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती थी। और कुछ इस तरह का हमारा जो इंटीरियर होने वाला है वो कुछ इस तरह का है हमारे वंदे भारत स्लीपर वर्जन का। तो जो इसका फर्स्ट फेज़ है, तो पहले फेज़ में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड रहेगी। और रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फर्स्ट फेज़ में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इसके पश्चात और चरणबद्ध तरीके से सेमी हाई स्पीड ट्रेन 160 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएगी। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है वाकई में। और ये भी इसी का जो हमारा इंटीरियर है वंदे भारत स्लीपर वर्जन का, ये आपके सामने है। तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे। इसमें 10 कोच एसी होंगे, 3-4 कोच AC 2 व 1 कोच AC 1 का होगा, जबकि 2 कोच SLR होंगे, यानी कि स्लीपर वर्जन होंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यात्रियों का सफर इसमें बेहद आरामदायक हो और यात्रियों को अलग अलग बर्थ में जाने में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी वंदे भारत स्लीपर वर्जन को लेके हमारी एक छोटी सी अपडेट।